हिजाब विवाद की आंच अब कर्नाटक से निकलकर दूसरे राज्यों में पहुंच गई है और हिजाब को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। मुस्लिम महिलाओं को भड़काया जा रहा है। हिजाब पर रोक की लड़ाई अब मालेगांव पहुंच गई है। मालेगांव में एनसीपी और जमीयत उलेमाए हिंद ने मुस्लिम महिलाओं को सड़कों पर उतार दिया। जमीयत ने मुस्लिम महिलाओं का सम्मेलन बुलाया और मालेगांव के स्टेडियम में भड़काऊ भाषण हुए। जमीयत ने कहा कि हिजाब पहनना नबी का आदेश है और उसे कोई रोक नहीं सकता। मालेगांव की मेयर ने उर्दू घर का नाम मुस्कान खान के नाम पर रख लिया। दूसरी ओर एनसीपी ने लॉन्ग मार्च निकाला। इस लॉन्ग मार्च में सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम महिलाएं शामिल हुई और हिजाब पर रोक के खिलाफ प्रदर्शन किया। अब ये तस्वीरें आप देखिए, मालेगांव की ये तस्वीर है जहां पर हिजाब के समर्थन में बुर्का पहन के ये महिलाएं सड़कों पर निकली, लॉन्ग मार्च निकाला गया। अब एक चीज समझ के परे है, यहाँ पर विवाद शुरू हुआ था कि क्या स्कूल में यूनिफॉर्म की यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, क्या स्कूल का कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब इसे एक धार्मिक मसला बना दिया गया है और मुस्लिम महिलाएं अपनी आजादी का हनन इसे करार दे रही हैं। इसी तरह बाद में औरतों को हुक्म दिया, वकुल लिल मुमिनात यगज़ुज़ना मिन अबसारहिन्ना वयहफ़ज़ना फुरूजहुन्ना। तो ये प्रदर्शन की तस्वीर है और मालेगांव में स्टेडियम में ये जो प्रदर्शन हो रहा है, हिजाब पहनना नबी आदेश है, इसे कोई रोक नहीं सकता। अब इस पर देखिए अलग अलग राय हो सकती है, मुस्लिम समाज से ही अलग अलग तरीके की राय आप सुन रहे होंगे। लगातार चूंकि इस पर बहस चल रही है, हर वर्ग से लोग अपनी अपनी बातों को दुनिया के सामने रख रहे हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि ये मुद्दा यहीं पर खत्म ना होने वाला है और ना ही जो सियासतदान है इसे यहीं पर खत्म होने देंगे। एक तरफ आप जमीयत का सम्मेलन देखिए, कितनी बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं यहां पर एकत्रित हुई हैं, सभी के सभी बुरके में यहां पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मसला बुरका और हिजाब से ही जुड़ा हुआ है। महिलाएं ये कह रही हैं कि ये हमारा हक है और संवैधानिक हक, हमसे कोई छीन नहीं सकता। लॉन्ग मार्च निकाला गया। पूरा देश इस बात को महसूस कर रहा है कि मुल्क में फ़िरका परस्ती को बढ़ावा दे करके और ख़ास तौर पर अकलियतों को और अकलियतों में मुसलमानों को टारगेट करके वोटों को बांटने की और यकजा करने की कोशिश की जा रही है। यानी हिंदू वोट मुत्तहिद हो जाए और मुसलमानों के वोट मुंतशिर हों, इस तरह की सूरत हाल बनाई जा रही है। और ये सब जो है फ़िरका परस्त पार्टियां सियासी तौर पर फ़ायदा उठाने के लिए करती हैं, इस बात को पूरा मुल्क महसूस कर रहा है। एनसीपी के प्रोटेस्ट में मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब पर रोक की मुखालफत की और कहा कि ये उनका धार्मिक मामला है। नकाब हमारा बिल्कुल हक है, दीनी हक है हमारा, ये पैदाइशी हक है, दीनी हक है। हम जो है कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत की पुरजोर आवाज में मजम्मत करते हैं, जो उन्होंने वहाँ की तालबात पर नकाब के लिए जो उन पर प्रक्रिया करती है, हम उनकी पुरजोर आवाज में मुखालफत करते हैं। हिजाब के तौर पर मनाने का एक गुजारिश की है, एक ऐलान किया है, और उसका बैकग्राउंड ये है कि हमारे शहर की और जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती हो वहाँ तक हर मुसलमान औरत पर्दे के साथ रहे, बेपर्दा अपने घर के बाहर ना निकले, ताकि लोगों तक ये पैगाम जाए कि पर्दा हमारी शरीयत का हुक्म है और हमारा ये आईनी हक है, कोई हमसे ये हक छीन नहीं सकता। बच्चियों को पर्दा लगाने से, हिजाब पहनने से जो मना कर रही है, आज का जो धरना आंदोलन था हमने खामोश एहतजाज किया और बीजेपी हुकूमत को और कर्नाटक हुकूमत को आज इस धरना प्रदर्शन के जरिए हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आपके बनाए हुए जीआर और गवर्नमेंट के आए हुए जीआर के खिलाफ है, जो मुस्लिम लड़कियों को ऊपर पर्दे पर जुल्म किया जा रहा है। आज हम मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्टूडेंट विंग की ओर से निकाला गया ये धरना आंदोलन, खामोश एहतजाज किया गया है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम इस आंदोलन में जरूर कामयाब होंगे। हमारे साथ संवाददाता जयप्रकाश सिंह इस खबर पर जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, मुंबई में या महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों में बात करें तो किस तरीके से ये हिजाब कॉन्ट्रोवर्सी तूल पकड़ रही है? देखिए मीनाक्षी, ये पूरा मामला जो है एक यूनिफॉर्म का मामला है, स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं वो कौन सा किस तरह से यूनिफॉर्म पहने उसका मामला था, लेकिन इस मामले को जिस तरीके से रंग दिया जा रहा है, हिजाब बुरखा या फिर
पर्दा इसको हटा दिया जाएगा पूरे देश से, इस तरीके के एक मैसेज पहुंचाए जा रहे हैं। मालेगांव जो नासिक ग्रामीण में है वहां पर भी एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें बड़े संख्या में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको हिजाब और बुर्का पहनकर आने के लिए कहा गया था, महिलाएं वहां पर शामिल हुई और उन महिलाओं को ये कहा गया कि नबी ने हमें आदेश दिया है हिजाब और बुर्का पहनने का, ये हम नहीं हटा सकते। तो इन्हें हटाने के लिए तो नहीं कहा जा रहा है, ये सिर्फ स्कूल के यूनिफॉर्म का मामला था जो पूरे देश में जिसकी अलग अलग जो है राय आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, कर्नाटक हाईकोर्ट में मामला है। लेकिन इस मामले में सचिन पाटिल जो एसपी हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि केस रजिस्टर्ड किया गया है क्योंकि ये जो सम्मेलन था ये बिना किसी अनुमति बिना किसी परमिशन इजाजत के लिया गया था और इसकी वजह से जो आयोजक है जमायत उलेमा और वहां के जो जो विधायक है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल और इसके अलावा जो वहां की मेयर है इन सबके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहां एक 8 करोड़ में उर्दू स्कूल बनाया गया है मीनाक्षी, और बहुत ही आश्चर्यजनक बात यह है कि वो उर्दू स्कूल बनाया गया है सरकारी पैसे से लेकिन अब उसका नाम भी मुस्कान खान जो कर्नाटक की बच्ची है उसके नाम पर रखने की वहां पर बात की जा रही है, स्टैंडिंग कमेटी में ये प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इसको दोनों तरफ से कलर दिया जा रहा है। प्रकाश, महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले को कैसे देख रही है? जो महाराष्ट्र के स्कूल है वहां पर जो प्राइवेट स्कूल है या जो सरकारी विद्यालय भी है वहां पर ड्रेस कोड का कंडक्ट है या नहीं? बिल्कुल कोड ऑफ कंडक्ट है, ड्रेस कोड कंडक्ट है। आप किसी भी स्कूल में देखें महाराष्ट्र में, मुंबई में, यहाँ पर हर स्कूल के लिए भले वो बीएमसी का उर्दू स्कूल हो या मिशनरी का इंग्लिश स्कूल हो या कोई भी कॉन्वेंट स्कूल हो, हिंदी स्कूल हो, सभी जगह ड्रेस कोड है। और आदित्य ठाकरे जो महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि स्कूलों में ड्रेस कोड के अलावा किसी और विषय पर बात नहीं की जाएगी। साफ तौर पर उन्होंने ये इशारा दिया है कि स्कूलों में अगर बुर्का या नकाब की बात की जाएगी या उसको पर्टिकुलरली पहन कर आने की बात की जाएगी तो उसका कहीं ना कहीं सरकार, ये तो फिर जयप्रकाश बड़ी कमाल की बात हो गई कि महाराष्ट्र सरकार खुद ये कह रही है स्कूलों में स्कूल का ड्रेस कोड का कंडक्ट ही लागू किया जाएगा, लेकिन महिलाएं जो निकल रही हैं सड़कों पर मार्च निकाल रही हैं, रैलियां कर रही हैं, वो आरोप लगा रही है कर्नाटक सरकार पर कि वहां पर लड़कियों को उनके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। बड़ी हैरानी की बात है। बिल्कुल बड़ी हैरानी की बात है और उसका कारण मीनाक्षी आप समझिए, कारण ये है कि महिलाओं को कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं को ये बताया जा रहा है कि उनका हिजाब, उनका बुर्का, उनका पर्दा, उनका जो नकाब है वो हटा दिया जाएगा, परमानेंटली हटा दिया जाएगा, ये मैसेज दिया जा रहा है जबकि ऐसा कोई मैसेज नहीं। अगर आप कर्नाटक में, मैंगलोर में, उड़पी में, जहां से ये सारी सारा विषय निकल कर आ रहा है वहां आप देखेंगे सड़कों पर हिजाब और बुर्का पहनकर महिलाएं चल रही हैं, उनको कोई नहीं रोक रहा है। सिर्फ विषय है स्कूल के अंदर आप नकाब या बुर्का पहनकर जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ये भी अदालत में ये विषय चला गया है, मुद्दा अदालत में विचारणीय है और वहां पे जो अदालत फैसला करेगी उस हिसाब से ये होगा। पहले ये कभी ये मुद्दा उठा नहीं, हम इतने साल से मुंबई और महाराष्ट्र में रह रहे हैं, यहाँ पर भी कभी ये मुद्दा उठा नहीं क्योंकि ये मुद्दा है ही नहीं है, क्योंकि जो सड़क पर अगर आप देखेंगे एक बात साफ है जयप्रकाश की एक तरीके का माहौल ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि महिलाओं को बुर्का पहनने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, ना उनको हिजाब करने का अधिकार दिया जाएगा और ये जो एक कंफ्यूजन है वो देश के अलग अलग कोनों में फैलाने का काम अब कौन कर रहा है? जनता खुद समझदार है, उसे समझना चाहिए और पड़ताल इसकी खुद करनी चाहिए। शुक्रिया जयप्रकाश पूरी जानकारी के लिए आपका। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत कर्नाटक के उडुपी से हुई जहां क्लासरूम में हिजाब पहनने पर रोक लगाई गई थी। इसके बाद विवाद शुरू हो गया, मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कल ही इस मामले पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश दिया कि स्कूल कॉलेज में धार्मिक पहनावे की इजाजत नहीं होगी। हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से केस को अपने पास ट्रांसफर करके सुनवाई की गुजारिश की, हालांकि कोर्ट ने इस पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट से जुड़ी हुई याचिकाओं को ट्रांसफर करने से भी फिलहाल इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि जब मामला हाईकोर्ट में चल रहा है तो इस स्टेज पर दखल देने का कोई मतलब नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।